जितनी पूरी कहानी है ये सारे सेम ऑर्डर में आएंगे, ये भी सारे सेम ऑर्डर में आएंगे, और कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे इकट्ठे, ठीक है। नेक्स्ट टू इच अदर दे विल नॉट बी देयर। तो जैसा ये एग्जांपल है जिसमें ऐसा हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग क्लास में कर चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा होगा तो, कि फाइव गर्ल्स और बॉयज वाला हमने किया था जिसमें नो गर्ल्स विल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है, ये हमने किया था डिस्कस। अब ये जो है सेम ऑर्डर में होना चाहिए, आप इनको लिख लो, ई यू ए आई ओ, ठीक है। तो डी सी टी एन ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन सारे जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ नहीं होंगे, मतलब कोई भी दो एक साथ नहीं होंगे। तो दे हैव दीज प्लेसेस, वो इन प्लेसेस पर आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, बिल्कुल एकदम ए ई आई ओ यू ये नहीं था, डी सी टी ने, तो बाकी सब सेम था। तो कितनी जगह हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह में से आपको 4 जगह सेलेक्ट करनी है जहां पर आप इन चारों को बिठा सको, सो दैट विल बी 64, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट 4 places आउट ऑफ दिस 6। अब यहां पर आप इनको अरेंज नहीं कर सकते हो, अगर आप इनटू 4 factorial करोगे इनको अरेंज करने के लिए तो सी डी टी सब चेंज हो जाएगा ना, विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्यों, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इनका अरेंजमेंट आपको नहीं करना है, सिमिलरली ई यू ए आई ओ इनका भी अरेंजमेंट आपको नहीं करना है, द ऑर्डर विल रिमेन सेम एज इट इज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 64 into 1 कर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कितना जाएगा 50, बस इतना सही था इस क्वेश्चन में। दोबारा से इसको देख लो ध्यान से, अगर आप फैक्टोरियल करके मल्टीप्लाई करके अरेंज कर रहे हो तो उसमें अरेंजमेंट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, यू से पहले ई आ सकता है, ए से पहले ओ आ सकता है, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक ऑर्डर है तो इसका एक ही तरीका होगा, इसका भी एक ही तरीका होगा, इनफैक्ट आप जब चूज करोगे प्लेसेस वो सिर्फ वो प्लेसेस चूज करने के तरीके आ रहे हैं एक्चुअली। डी सी टी एन जो ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा। तो 64, 6 जगह है, 4 place को बिठाना है, कितना जाएंगे 15 तरीके हो जाएंगे, आंसर विल बी 15, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। The number of distinct primes dividing this, तो इनको 12 factorial, 13 factorial और 14 factorial, इनको क्या करो, आप जितना प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो सबसे आप 12 factorial कॉमन ले ही सकते हो, यू कैन टेक, तो टेक कॉमन 12 factorial ले लिया कॉमन, क्या बचा 1, यहाँ 13 बचा, 196, हाँ 14 into 13 कितना हो गया, 182, 182 तो बहुत सिंपल है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 भी दिखाई दे रहा है क्योंकि 12 है, और 2, 3, और इसमें 196 में कौन कौन से आएंगे फैक्टर्स, सर 2 and 7 प्राइम फैक्टर्स, अच्छा ठीक है 2 and 7, तो एक 7 हो जाएगा, सर सीधा 12 factorial में से 2, 3, 5, 7, 11 देख सकते हैं ना, ठीक है, हाँ 12 factorial भी है ना, फैक्टोरियल यहाँ पे तो 5 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और 5 भी आ जाएगा तो चलो 11 भी आ जाएगा ना, हो गया ये, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, चलो 5, कौन कौन से प्राइम फैक्टर हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो चलो इसमें से और कोई क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि उसके बारे में, आपको अगर लॉजिक से अगर आप काम करोगे पीएनसी में, अभी और आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, हमेशा ही बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे आप अपने आप ही कर सकते हो लॉजिक से क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर 5 कैसे फैक्टर हुआ इसका, 5 कैसे, 12 factorial में आएगा ना, 12 factorial में सारे नंबर आएंगे, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, है ना, सारे आएंगे तो 5 भी आएगा, तो फैक्टोरियल, ओके ठीक है। इफ एन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट एन प्लस 2n प्लस 3n एंड सो ऑन टिल 99n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन n स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है ये भी, करो इसको, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, एन इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है वो, एन कॉमन ले लो इसमें से, एन अगर कॉमन ले लोगे तो आपका
वन से लेकर 99 तक का सम बच जाएगा, ठीक है। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, और आपको पता है वन प्लस टू प्लस थ्री तक अगर आप n तक ऐड करते हो, दिस सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है, दिस इज n इनटू n प्लस वन बाई टू, 10th क्लास में भी पढ़ाया आपने। तो यहाँ पर कितने 99 है, तो n को ऐसे रहने दो, 99 इंटू 99 प्लस वन बाई टू, तो 99 इंटू 100 बाई टू ये हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, अब इसके फैक्टर्स करके लिखो आप तो समझ में आएगा, ये कितना हो गया 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। 99 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 9 विच इज 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, 5 स्क्वायर तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, 3 स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, ये क्या हो गया 22, और कहाँ गया, अच्छा n भी हमारे पास, ठीक है। तो 22n को, उसको भी परफेक्ट स्क्वायर होना है, ठीक है जी। तो 22n को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, n को भी 22 होना पड़ेगा, तभी 22 स्क्वायर बनेगा। ये 22 है, इसको n को भी कम से कम 22 होना पड़ेगा, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है वो, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 22 क्यूब भी हो सकता है, तभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 22 की पावर 4 हो जाएगा 3 प्लस 1 मिला करके, 22 क्यूब और यहाँ से 1, पर हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें सिर्फ चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर ये 22 है तो सबसे छोटा नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा वो 22 ही है, तो n इक्वल्स 22, और n स्क्वायर में पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, ठीक है, n स्क्वायर में कितने होंगे, 3 डिजिट है ना, निकालने की जरूरत भी नहीं है, मन करा था अब निकाल लेना स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 6। मैक्सिमम लोगों ने आंसर एकदम सही दिया है। पहले देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि 3 क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्टूडेंट गेट्स 1 मार्क पर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो एक नंबर तो मिल रहा है कम से कम, ठीक है, और रॉन्ग है तो 0 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब अ स्टूडेंट आंसर्ड एक्स क्वेश्चंस करेक्टली, स्कोर आया 60, ठीक है जी, तो 60 स्कोर कैसे कैसे आ सकता है, देखो जब ऑप्शंस ऐसे हैं ना 5, 6, ये आंसर जो 10-15 भी है, तो आप एक बार काउंटिंग भी करके देख सकते हो, अगर आपको लगता है पॉसिबल नंबर ऑफ वेज अगर कम आते हैं तो, ठीक है, 60 है और मान लेते हैं वो 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन अगर सही आंसर करे, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करे और सारे के सारे सही करे, तो एक तरीका ये हो जाएगा, है ना, 15 क्वेश्चंस करेक्ट, अब करेक्ट वाले चलो यहाँ लिख देते हैं करेक्ट, यहाँ पे रॉन्ग, अनअटेम्प्ट 0, अच्छा अनअटेम्प्टेड कितने हो जाएंगे, अच्छा ये भी है आपके पास, अगर अनअटेम्प्टेड है तो आपको क्या मिल रहा है, उसमें एक नंबर मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसमें तो हमारे पास क्या होगा, 15 क्वेश्चन है, अगर 15 हमने अटेम्प्ट नहीं किए तो यहाँ पर एक्चुअली रॉन्ग हमने कितने करने पड़ेंगे, 15, है ना, ऐसा ही होगा ना, इसमें 15 क्वेश्चन किए, 15 रॉन्ग किए जिसमें हमको 0 मार्क मिलेगा, मार्क्स नहीं कट रहे हैं उसमें, अगर आप 15 छोड़ दोगे तो एक एक नंबर मिल जाएगा, तो फिर आपका स्कोर बढ़ जाएगा, है ना, वो तो नहीं चाहते हैं। अब उसके बाद ये हो सकता है कि, अच्छा मुझे बताओ 15 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है क्या, सही, नो सर नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 से ज्यादा करेगा तो 60 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, और 60 से ज्यादा हो गए तो कम करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, अगर आप रॉन्ग भी करोगे तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो 15 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा वो, इनइक्वालिटी से भी कर सकते, इनइक्वालिटी से पहले इसे कर लेते हैं ना, एक से करते हैं फिर बाद में आते हैं इनइक्वालिटी पे, 14 हो गए, ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनइक्वालिटी उसमें आपको एग्जैक्टली 60 चाहिए स्कोर, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसमें 14 आ गया, 14 में कितना हो जाता है 56, ठीक है, 56 हो गया, आपको कितने और चाहिए,
चार और चाहिए, तो यहाँ पे लिखो मत, आगे चलते रहो। अब यहाँ पर आते हैं हम धीरे धीरे, एक 13 हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा 12 हो, 12 पे कर लो पहले, कितना 12 हो जाए 48 हो गया, ठीक है 48 हो गया, तो आपको और एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 12 चाहिए, तो कर सकते हैं ना 12, गलत, ठीक है 11 हो गया, तो 44, और फिर अब कितना चाहिए होगा यहाँ पर 16 चाहिए होगा, ठीक है, और अगर 10 होगा तो ये तो चलो इसको हटाओ, 10 होगा तो कितना होगा 40, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, अगर यहाँ पे 9 होगा तो 36 हो गया, तो कुछ भी करके 60 बन पाएगा नहीं आ पाएगा, 9 में कितना जाएंगे 36, तो आपको अभी एक्स्ट्रा और कितना चाहिए 24, तो 24 तो सवाल ही नहीं बचे अटेम्प्ट करने के लिए, यस सर, ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे 15 से, और कहाँ खत्म कर दोगे 10 पे, तो उतने ही नंबर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने नंबर वाइज हमें निकालने थे, तो क्या हो जाएंगे 6 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो साइड्स आपको दे रखी है ऑल, सब कैसे साइड्स में पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 5, 10, 20 तो पॉजिटिव इंटीजर हैं ही, तो फोर्थ साइड आएगी वो भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 ऑफ देम आपको गिवन है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू और आर देयर फॉर द फोर्थ साइड, ठीक है, आप एक बार काम करो कि हम एक्सट्रीम्स में बात करते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है फोर्थ साइड की, मिनिमम कितनी लेंथ हो सकती है फोर्थ साइड की, इतना आप निकालोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उसके बीच में सारे इंटीग्रल वैल्यूज होंगी उसकी। सर यहाँ पे पॉइंट्स पॉइंट तो नहीं ना होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर ही है तो पॉइंट्स तो बात ही नहीं है सर, नहीं लेंथ इंटीजर है बेटा, हम पॉइंट्स ही कहाँ बात कर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एकदम एक्सट्रीम केस लेते हैं, एक्सट्रीम केस क्या होगा, जो दोनों एंगल है इन दोनों साइड के बीच में 5, 10 और 10, 20 के बीच में, उन दोनों को आप फ्लैट कर दो, मतलब आप ऐसा कर सकते हो चलो ये हो गया 10, ठीक है ये 10 यूनिट की साइड है, अब 20 वाली जो थी वो ऐसे हो सकती है, 5 वाली जो है ऐसे हो सकती है, ठीक है चलो 10 20 है तो बड़ा होगा ऐसे, समझ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सट्रीम केस हम देख रहे हैं, इसको हमने क्या किया यहाँ पे इस तरह से ये कर दिया, ठीक है अब चाहते हो तो चलो इसको एक दूसरे कलर से कर लो, ये एक्सट्रीम केस है एक्सट्रीम, ताकि आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम वो जो है पार्ट कितना जा सकता है जो रिमेनिंग साइड है, ठीक है मान ले हमने यहाँ तक ये कर दिया, और एक दूसरा है वो दूसरे साइड को दूसरे कलर से कर देते हैं, तो ये वाला हो गया हमारे पास ये वाली साइड, थी ये टिल्टेड, यहाँ पर हमने क्या किया, अगर ये टिल्टेड ना होकर कैसी होती, ऐसे होती, तो जो फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड का मतलब क्या, वो एंड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, ये वाले ध्यान दो है ना, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी, 20 नहीं है ये 10 है ये 20 है ये 5 है, ठीक है, अगर ये फ्लैट होता तो ऑल्दो ये क्वाड्रेटर नहीं बनेगा, लेकिन आपने जरा सा ही अगर चेंज किया होता इतना बहुत ही छोटा सा तो क्वाड्रेटर बन जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, पर हमने क्या किया, हम एक्सट्रीम केस लेकर के चल रहे हैं कि इस मोमेंट पे हमने क्या कर दिया, ये दोनों फ्लैट कर दिए, ये साइड यहां से यहां तक ये साइड यहां से, तो टोटल लेंथ कितनी होगी बताओ, 35 पर क्वाड्रेटर नहीं बनेगा, लेकिन आपने अगर इसको जरा सा ही टिल्ट किया बहुत छोटा सा, पर मैं आपको उसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है समझने की कोशिश करो, ये इतना यहां पर इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया, तो अब ये क्वाड्रेटर बन गया कि नहीं बना, बन गया सर, बना, बन गया सर, इसका मतलब क्या होगा, पहले जो टोटल लेंथ थी जो फोर्थ साइड था वो अप्रोक्सीमेटली क्या था 35 के आसपास था, ऑल्दो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा था, जस्ट उससे छोटा करते ही क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, तो जो फोर्थ साइड है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 34 हुई ना जिसमें क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 35 में तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है ना, यस सर 34 छोटा करते ही कितना हो गया क्वाड्रेटर बनेगा, पर हमें पता है जस्ट छोटा करते ही वी हैव टू टेक द इंटीग्रल वैल्यू, 35 से जस्ट छोटे इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी,
34 34 ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो फोर साइड की हो सकती है, अब आते हैं मिनिमम वैल्यू के ऊपर। तो मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू बहुत इजी है, अब इन्हीं का खेल है दोबारा से। ये जो है हमारे पास ये 20 है सेंटीमीटर वैसे, अब इसको और इसको ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए नहीं, कितना भी कर सकते हैं ना, मतलब जो लास्ट वाली साइड है वो एकदम 0.001 भी हुई तो भी क्वाड्रेंट बन जाएगा, नहीं बनेगा ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रीच करेंगे। क्यों करेंगे, ये 10 है, ये 20 है और ये 5 है, तो 20 तो पूरा 10 को कवर करके आगे चला जाएगा ना। yes. समझ आ रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है, मतलब आप इसको अगर बहुत ही छोटा भी बनाने की कोशिश करो, 0.00001 लेंथ की साइड बनाने की कोशिश करो, वो भी बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि ये 10 है ये 20 है, तो अगर आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप भी करा दोगे तो 10 से बहुत आगे बाहर निकल जाएगा। अगर ये 10 से छोटा होता तब ये पॉसिबल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि आप ये 5 है ठीक है, तो 5 को स्ट्रेच करो कहां तक कर पाओगे, अगर ये मान लो 2 यूनिट ही होता तो बेचारा यहीं तक पहुंच पाता ना, ठीक है, क्योंकि 20 यूनिट है तो पूरा 10 यूनिट पूरा कवर कर सकता है। तो कम से कम बताओ लेंथ कितनी हो सकती है फिर साइड की, सोचो कम से कम लेंथ कितनी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर होना है ना, तो 1 होगी ना, 1 से कम तो नहीं होगी, ये बात समझ में आ रही है, तो जो फोर्थ साइड है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, 1। तो कुछ नहीं गैस के अंदर, थोड़ा डायग्राम बनाओ ऑब्जर्व करो ज्योमेट्रिकली तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो जो पल्लव का आंसर आया था वो ऐसे 34, आंसर तो 34 ही आया था ठीक है, 1 से लेके 34, तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, 34 ही हो गई पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है।